हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आपको स्वागत है आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो भर्तियां हैं, वैकेंसी हैं, वो बहुत ही अच्छी डिपार्टमेंट में निकाली गई हैं और इसमें आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों इसकी जो क्वालिफिकेशन है बहुत ही कम है। दोस्तों, तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, इस वीडियो को आसानी से देख कर अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं सारी बातें आपको अपनी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, कहाँ पर जाकर आपको फॉर्म का लिंक है वो मिलने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको जॉब के बारे में बता देता हूँ, कौन सी आपकी जॉब होने वाली है। दोस्तों, ये सरकारी अस्पताल में मैं आपको बता दूँ, अनपढ़ और आठवीं पास लोगों के लिए, स्टाफ के लिए बहुत ही बड़े लेवल पे वैकेंसी निकाली गई हैं। हाँ दोस्तों, सरकारी अस्पताल में जो स्टाफ है, अनपढ़ और आठवीं पास लोगों के लिए बहुत ही बड़े लेवल पे वैकेंसी निकाली गई हैं। तो आप इनके लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा, कहाँ पर जाकर आपको फॉर्म का लिंक है वो मिलेगा। दोस्तों, तो बिल्कुल भी देर ना करें, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको सारी जानकारी पता चल जाए और आप आसानी से अप्लाई कर पाएँ। दोस्तों इसमें आपकी ज़्यादा खास क्वालिफिकेशन नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसमें जो स्टाफ की जो ज़रूरत है वो आपको दोस्तों अनपढ़ और आठवीं पास से स्टाफ की ज़रूरत है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो काम है वो आपको बताऊँगा, कैसे आपके कौन कौन से काम होने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, आप अप्लाई कर सकते हैं आसानी से इसके लिए। और अप्लाई करने के लिए आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप आसानी से अप्लाई कर पाएँ। दोस्तों, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस स्टाफ के लिए मैं आपको बता दूं, जो वैकेंसियां हैं, भर्तियां निकाली गई हैं, उनके लिए आपको कैसे अप्लाई करना होगा। दोस्तों, क्वालिफिकेशन में मैं आपको बता ही चुका हूँ, अगर आपने आठवीं पास कर ली है तो आप अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों, अगर आप अनपढ़ हैं तो भी उनके लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, उसमें मैं आपको बता दूँ, कई तरीके से काम होते हैं और सरकारी अस्पतालों में जो अनपढ़ लोगों के लिए भी आसानी से अवेलेबल होते हैं। तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, जल्दी से जल्दी उनके लिए अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपकी उम्र बता दूं कम से कम कितनी होनी चाहिए अगर आपको अप्लाई करना है इसमें, तो दोस्तों आपकी उम्र इसमें होनी चाहिए कम से कम 18 साल। हाँ दोस्तों, आपकी उम्र 18 साल होना कंपलसरी है इसमें। अगर आप 18 साल के होंगे तभी आप इसके लिए आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत ही ईजी तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई करने के लिए आपको अपने आधार कार्ड के थ्रू इसके फॉर्म को भर सकते हैं, जैसे कि आपके आधार कार्ड में उम्र 18 साल है तो आप आसानी से इसके फॉर्म को भर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही इजी तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसका फॉर्म का लिंक मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ पर जाकर आपका फॉर्म का लिंक है वो आपको मिलेगा। दोस्तों, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी गूगल पे मिलेगा आपको, हेल्प एंड रोजगार। हाँ दोस्तों, गूगल पे अगर आप सर्च करते हैं हेल्प एंड रोजगार, तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप आसानी से इनके जो भर्तियाँ हैं उनका फॉर्म भर सकते हैं। आप बिल्कुल भी देर ना करें, जल्दी जल्दी जाकर इसके फॉर्म को भरें। और अप्लाई करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से अप्लाई कर पाएं। दोस्तों, इसका फॉर्म का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं और उसके फॉर्म को भर सकते हैं, वरना आप गूगल पर सर्च करके आसानी से इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो गूगल पर आपको सिर्फ सर्च करना होगा हेल्प एंड रोजगार, तो हेल्प एंड रोजगार आप सर्च करके इसको फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से शेयर करें, जिससे वो भी जॉब के लिए अप्लाई कर पाएँ। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर करें।